जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पवार वंश के प्रमुख साहित्य को कवर करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम इनका प्रशासन, जितने भी जो न्याय व्यवस्था थी, उन सबको कवर कर चुके हैं। यहाँ जो फंडा और ट्रिक की आवश्यकता है वो आपको याद करा दिया जाएगा, आसानी से आप एक बार सुनेंगे ध्यान से। फतेह प्रकाश जो ग्रंथ है वो किस कवि द्वारा लिखा गया है? रतन कवि द्वारा। अब आपको इसको याद कैसे करना है, देखो रतन जो होते हैं, रतन उनमें से जब प्रकाश निकलता है तो अलग ही दिखाई देता है, तो आपको केवल इतना सा ध्यान रखना कि रत्नों से प्रकाश निकलता है। तो फतेह प्रकाश रतन कवि, फतेह प्रकाश रतन कवि ऑप्शन आते ही आपको आराम से क्लिक हो जाएगा। उसके बाद रामायण प्रदीप, रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा, मेधाकर शर्मा। तो जो रामायण प्रदीप थी, रामायण के जो दीप थे, तो जो मेधावी होते थे, मेधावी लोग वो क्या होते थे, उनके लिए दीप जलाए जाते थे रामायण में। जैसे राम हो गए तो वे मेधावी थे, मेधावी लोगों के लिए क्या जलाए जाते थे, दीप जलाए जाते थे। तो रामायण प्रदीप मेधाकर शर्मा। व्रत कौमुदी मती राम, व्रत कौमुदी मती राम। तो देखो मती मदी कौमुदी मती राम, मती मदी, तो आप इसे ध्यान रखना, कौमती कौमती कौमुदिनी कौमती पढ़ो आप, तो व्रत कौमुदी मती राम। गणराज वंश, जो गणराज वंश है वो मौला राम के द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइटर है मौला राम। उसके बाद प्रेम पथिक, प्रेम पथिक तोताराम गैरोला। तो प्रेम पथिक, तो जो प्रेम का पथिक है वो कैसे बोलता है, तोते की तरह, तो प्रेम में इंसान तोते की तरह बोलता है, तो आप इसे ध्यान रख सकते हैं। नरेंद्र शाह से संबंधित थी पुस्तक, तो प्रेम पथिक के रचयिता कौन है, तोताराम गैरोला। मानवदेह काव्य भरत कवि, भरत कवि। तो जो रामायण प्रदीप पढ़िए आपने, दीप जलते थे किन के लिए जलते थे, जो मेधावी होते थे। अब मानवदेह काव्य की बात है, भरत कवि, तो राम का जो मान था उसका भाई भरत, आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, मान दे भरत, भारत को मान दो, या तो आप ऐसे ध्यान लगा लो कि पूरे भारत को मान दो, तो मानवदेह काव्य भरत कवि। फतेह शाह कर्ण, फतेह शाह कर्ण जटाधर मिश्र का है, जटाधर मिश्र का है। अब कर्ण को ध्यान रखना है आपको, देखो जटाधर जिसकी जटाएं बहुत फैली हुई हों और वो मिश्रित हो जाए, यानी कि मिक्स हो जाए, तो उनमें जो कण होंगे ना, कण, वो धूल के कण आराम से फंस जाएंगे, तो आप इसे ध्यान रख सकेंगे, फतेह शाह फंस जाएंगे कण कहाँ पर, जब जटाएं क्या होंगी, मिश्रित होंगी, आप इसको ऐसे याद कर लेंगे। सभाभूषण हरिदत्त शर्मा, तो हरिदत्त, हरिदत्त शर्मा सभाभूषण। तो सबसे ज़्यादा जो सभा भूषित होती है वो हरि, यानी कि कृष्ण भगवान जी को जब ये बोलते हैं, ज्ञान देते हैं, तो हरिदत्त सबसे अच्छी सभा होती है, सभाभूषण हरिदत्त शर्मा। कीर्ति विलास, कीर्ति विलास सदानंद डबराल, कीर्ति विलास सदानंद डबराल। तो जो कीर्ति वाले लोग होते हैं, जिनकी कीर्ति होती है, और जो भोग विलासी होते हैं, वो सदा क्या होते हैं, डबंगवाते हैं, डगमगाते हैं, सदानंद डबराल, यानी कि सदानंद डबराल कीर्ति विलास। सर्वसंग्रह शास्त्र सुदर्शन शाह का था, सर्वसंग्रह सहस्य सुदर्शन शाह, सर्वसंग्रह शास्त्र सुदर्शन शाह। जहांगीर विनोद भरत कवि, जहांगीर विनोद भरत कवि। तो भरत कवि के बारे में एक रचना और पढ़ी आपने, मानवदेह काव्य के मान सम्मान के लिए, भारत का मान सम्मान करें, भरत कवि। जहांगीर विनोद, जहांगीर विनोद भी किसकी रचना है, भरत कवि की है। गोरखावाणी सुदर्शन शाह, सर्वसंग्रह शास्त्र भी सुदर्शन शाह का, गोरखावाणी किसकी है, सुदर्शन शाह की है। गढ़वाली भाषा की प्रथम रचना है गोरखावाणी। फतेह प्रकाश ग्रंथ भूषण कवि, फतेह प्रकाश ग्रंथ भूषण कवि। स्टार्टिंग में आपको फतेह प्रकाश पढ़ी थी आपने, खाली फतेह प्रकाश, तो किससे निकल रहा था, रतन से। अब फतेह प्रकाश ग्रंथ है, ग्रंथ है, तो उसमें ग्रंथ में किसी न किसी का भूषण ख्याति लिखी हुई होगी, तो कवि भूषण के द्वारा लिखी गई है फतेह प्रकाश ग्रंथ। गढ़वाल राज्ञा वंशली वंशावली जो है, गढ़वाल राज्ञा वंशावली देवराज कर्त है, देवराज कवि देवराज के द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा, कवि देवराज के द्वारा। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ पूछी जा चुकी है, भक्त दर्शन, तो जो दिवंगत हो जाते हैं, दिवंगत उनकी विभूतियों के लिए, उन दिवंगत लोगों के लिए जो है भक्तों, भक्त क्या आते हैं, दर्शन करने आते हैं, कि हम भी तो देखें कि पहले हमारे दिवंगत विभूतियाँ कैसी थी, तो भक्त क्या आते हैं, दर्शन करने आते हैं दिवंगत विभूतियों के। गोरखनाथ एंड कनपटा योगीज जॉर्ज फ्रेजर की है, जॉर्ज फ्रेजर की है। खुड़बुड़ा के युद्ध की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है, वैली ऑफ दून से मिलती है, आप इस पुस्तक का राइटर बताएंगे, वैली ऑफ दून के राइटर कौन है, गुलदस्त तवारिक ई को, यह पुस्तक वीडियो एग्जाम में पूछी जा चुकी है, गुलदस्त तवारिक ई को मियाँ प्रेम सिंह की है। तो
गुलदस्त, तो गुलदस्त वाली स्थिति कब होती है? जब मियाँ किस में हो? प्रेम में हो। तो मियाँ प्रेम सिंह, मियाँ प्रेम सिंह। आप इसको एक बार और रिकॉल करेंगे, सुनेंगे ध्यान से, ये सभी आपको याद हो जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।